सुपर हीरो मास्क, डिजाइनर मास्क, कपड़ों के साथ मैचिंग वाले मास्क, एटीट्यूड वाले मास्क। कोरोना आया तो मास्क भी फैशन का हिस्सा बन गए, लेकिन फैशन से ज्यादा जरूरी है मास्क की क्वालिटी। कैसा है आपका मास्क? क्या आपका मास्क कोरोना को रोक पाएगा? क्या होना चाहिए एक अच्छे मास्क के अंदर? ये समझने के लिए न्यूज नेशन आपके सामने लेकर आए हैं मास्क का क्वालिटी टेस्ट। मास्क की क्वालिटी बताएगा कैंडल टेस्ट। अगर आपको अपने मास्क की क्वालिटी परखनी है तो डॉक्टर्स कैंडल टेस्ट को पैरामीटर बताते हैं। एक ऐसा टेस्ट जो आप घर बैठे कर सकते हैं। फ्लेम जो है वो उसमें से अलग हो रही है, हिल रही है। जब एयर बाहर जाएगी तो नेचुरली जिस पर्पस के लिए आपने मास्क खरीदा है वो डिफीट हो गया। अब आप ये, मैं ये खादी का मास्क है जो ये इसका ये सेम है, इसमें ये नहीं है। बहुत करीब आने के बाद भी ये बहुत करीब आने के बाद भी नहीं हो रहा है। और इसमें जैसे ये मास्क मैंने पहना हुआ है, अच्छा। तो मैं इसको फूंक मार के ये बुझ गया, यानी मैं इसको, इस मास्क को मैंने इसीलिए पहना था, यही बताने के लिए कि ये जो क्वालिटी है इसमें और इसमें क्या फर्क है, कौन सा मास्क पहने कौन सा नहीं। बाजार में आज सैकड़ों किस्म के मास्क मौजूद हैं, लेकिन कोविड की रोकथाम के लिए कौन सा मास्क बेहतर हो ये देखना भी बहुत जरूरी है। होममेड मास्क जो लोग पहन रहे हैं, घर पे कपड़े का बना के पहन रहे हैं, मल्टी लेयर मास्क लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये तो कपड़े वाला मास्क हो गया। उसके बाद N95 मास्क इस तरह के भी अवेलेबल हैं जो कि टाइटली फिटिंग होते हैं और ये भी इफेक्टिव होते हैं। आप ऐसा मास्क पहनिए जिसमें कि आपके ऊपर की जो ये नोज फिटिंग है वो बड़े अच्छे से लग जाए। मास्क का क्वालिटी टेस्ट आपने देख लिया। अगली बार आप मास्क खरीदें या सुबह निकलने से पहले मास्क पहनें तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें और कोरोना से सावधान रहें। टीम न्यूज़ नेशन।